देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। तोशा खाना केस में चेयरमैन पीटीआई के हवाले से जो फैसला था उसको महफूज कर लिया गया, आज समाप्त हुई और एक और बड़ी अहम दिन गुजरे, इसमें इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब ने समाप्त की। और जब समाप्त शुरू हुई तो 3 घंटे तवील ये समाप्त जारी रही, इसके बाद इसके समाप्त के हवाले से फैसला महफूज कर लिया गया। आपको याद होगा कि ये मामला गुज़श्ता कई दिनों से जेर गर्दिश रहा, जेर इल्तवा रहा, और उसमें मुतअद्दिद बार या तो वुकला की अदम पेशी के बाइस या तो किसी और वजूहात की वजह से अगली तारीख मिलती दिखाई दी। जुम्मे के रोज जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील अमजद परवेज साहब तबीयत की नासाजी के बाइस अदालत में पेश ना हो सके, तो उस वक्त लतीफ खोसा साहब जो कि तहरीक इंसाफ के सरबरा के वकील हैं, उन्होंने अपने दलाइल दिए और इस बात के लिए अदालत से दरख्वास्त की कि उनके उनके मुक्किल को रिहा किया जाए और उनके हक में फैसला दिया जाए। लेकिन अदालत ने पीर तक ये समाअत को मुअत्तल किया और आज जब यह समाअत हुई तो 3 घंटे के कड़े दलाइल के बाद और एक बड़े मुश्किल सेशन के बाद आज अदालत ने यह फैसला महफूज कर लिया। आज की समाअत का हाल अहवाल कुछ ये बताया जा सकता है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल किए, जबकि अमजद परवेज साहब जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील हैं, वो आज भी इस बात के लिए इस्तदा करते रहे ऑनरेबल जजेस से कि किसी तौर पे आज समाप्त को मुअत्तल किया जाए, क्योंकि उन्हें कुछ और अहम मामलों के ऊपर गुफ्तगू करनी है और दलाइल पेश करने हैं। अब ये बात कहां तक सही है और कहां तक गलत, और आज की समाप्त के बाद क्या यह फैसला किसी तौर पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आता हुआ दिखाई देगा या नहीं, इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी तजयाकार जनाब जहांगीर सैयद साहब। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जहांगीर साहब, ये जरा आज का मामला बताइए, ये काफी दिनों से पेंडिंग था, आज भी जब समाअत शुरू होनी थी तो इफ्स एंड बट्स थे कि अमजद परवेज साहब पेश होंगे नहीं होंगे, कोई और नया वकील आएगा, क्या समाअत आज मुकम्मल हो सकेगी। बहरहाल समाअत मुकम्मल हो गई, फैसला महफूज हो गया, आपका क्या कहना? देखिए, फिर वही अफसोस की बात है, अफसोस का मुकाम है कि पहले इल्जाम ये आते थे कि पीटीआई की इमरान खान की पूरी कोशिश ये है कि तोशा खान की हेयरिंग ना हो, उस पर एतराज़ भी वो करते रहे कि ये जज चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये वकील ठीक नहीं कह रहा, इसको बदल दें, इसको जो है ये डीमेरिट पे है और ये हमें पसंद नहीं है, ये एक पूरी बहस चलती रही, जिसके जो नाकदीन थे उनका कहने था, मीडिया के लोग थे उनका कहना था कि डेलिबरेटली नोइंगली जानबूझकर ये सब कुछ किया जा रहा है दिल्ली की तरफ से, क्योंकि पीटीआई के पास जो है वो इतना मवाद नहीं है कि वो अपना डिफेंस कर सके अपने केस का, लिहाजा ये जानबूझ के जो है ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। ये तो अभी तक की पिक्चर सही। अब आप दूसरी तरफ ही आइए, अब आ गया है इस्लामाबाद कोर्ट से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, अब यहाँ हेयरिंग का वक्त आया, तो यहाँ हेयरिंग को सबसे अहम जिम्मेदारी ये है कि इलेक्शन पाकिस्तान जो है वो वक्त पे और जल्द से जल्द फैसले दे सके, और उसकी हेयरिंग का नतीजा ये अभी नज़र आया है कि अमजद परवेज साहब जो हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ही जो है वकील हैं, अब वो ये कहते हैं कि वो जो कुछ रीज़न वो दे रहे हैं कि अभी मुझे मज़ीद दलाइल भी देने हैं, मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही है, अब वो तातुल भी लेते हैं, ब्रेक भी लेते हैं, और ये एक सूरत हाल ये कि वो हंगामा वाली सूरत हाल, और आखिर में ये जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन को जो भी उसको प्रेजाइड कर रहे थे उन्होंने ये कहा कि जनाब हम फैसला तो महफूज करते हैं और पीर को महफूज जो है हम फैसला वर्डिक्ट सुना देंगे, फैसला आ जाएगा, ये बनी पिक्चर। अब उसके नतायज क्या हैं कि अब जो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि वो ऐसी कौन सी बात थी कि जिस पर जरा नहीं हो सकी, और ऐसे कौन से मौके थे जिसको वो ये देख रहे थे कि उनके मैार पे वो दलाल नहीं दे सकें, नए दलाल दे के वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुतमिन कर सकें, इसका मतलब है कि वो मुतमिन नहीं कर सके, और एक शक व शुबा फिर पैदा हो सकता है कि इत्मीनान बख्श जो है डिफेंस नहीं हो सका न इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से न इस्लामाबाद से। करना वकीलों की जिम्मेदारी थी ना, अगर आप आज समझें, आज भी ख्वाजा आरिस साहब, इनफैक्ट अमजद परवेज साहब ये कहते रहे कि ख्वाजा आरिस का जो
जो मामला था वो उसके बारे में सवाल उठाते रहे, उसके बाद वो कहते रहे कि ये मामला तोशाखाना का जो है दरअसल डिक्लेरेशन ऑफ एसेट का मामला है, तो कहीं ना कहीं वो तस्लीम भी करें कुछ मामलात को और वो दूसरी तरफ उस हद तक मुस्तकम भी नहीं अपनी आर्ग्यूमेंट्स को लेके। फिर ये जो दूसरी बात कही कि मुझे दलाई पेश करना है दीगर उमूर के ऊपर, उसके लिए वक्त दरकार है, उसके लिए मुअत्तल किया जाए, क्यों अगर आज उनकी तैयारी थी तो वो मुअत्तली की क्यों बात करते रहे? अदालत तो बार बार कहती रही आप 5-10 मिनट और ले लें, अपने दलाइल को मुकम्मल कर लें, फिर क्यों अमजद परवेज साहब इतने रिलक्टेंट नजर आए? क्या तैयारी नहीं थी, क्या कोई जवाब नहीं पैदा हो पा रहा था कि जिसके ऊपर बात की जा सकती? देखिए होता यही है कि जब कई आज़ादी ना होती ना हो और फैसले करने में मुश्किल पेश आए, दलाल बनाने में भी ये उनको फिक्र लगी रहे कि दलाल किसी को पसंद आएंगे या नहीं पसंद आएंगे, तो जब वो वकील का कॉन्फिडेंस ख़त्म होता है और वो पैदा नहीं हो सकता है, तो फिर वो आएँ बाएँ शाएँ इधर के वजूहात बता के जो है वो डिले लेता रहता है। लेकिन ऐसे मामलात में चूंकि इसका स्पेसिफिक टाइम है और 90 डेज़ के ही कहा जा रहा है अब तक बज़ाहिर जो है वो आइनी तौर पर, तो उसके अंदर तो ये फैसला आज हो सकता था अगर वो दलाइल दे देते। इसका सब्स्टिट्यूट भी होता है, अगर ये एक जो है वकील नहीं किसी वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो गई तो सब्स्टिट्यूट कौन सा? आज भी ब्रेक लिया गया अमजद परवेज साहब की जानिब से। मैं जो कह रहा हूँ कि जो सारी वजूहत मान लेते हैं कि उनकी तबीयत भी ख़राब थी, बोला भी नहीं जा रहा था, दलाइल भी अधूरे रहे, लेकिन इसके लिए सब्स्टिट्यूट होता है काउंसिल का कि अगर वो किसी वजह से नहीं बात कर पा रहे हैं तो दलाइल ऐसी चीज़ नहीं है कि वो ज़हनी इख्तरा हो, उसको कानून की तरह फिर की रोशनी में फ्रेम करना पड़ता है। सही। और जो उसकी भी तैयारी उसके नेक्स्ट टुकी की भी होती है कि वो भी तैयार है, लेकिन अब ये फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये डिले की टैक्टिस क्या है, किसको कहना चाह रहे हैं, किससे जो है असल में जो फैसले रिजर्व होते हैं ना उसकी भी वजह होती है कि बाद में लिखने से पहले वो जो है अपना माइंड अप्लाई करते हैं, जजेस भी माइंड अप्लाई करते हैं, अब वो जो है इनको अमजद परवेज हमारे जो वकील हैं सीनियर लॉयर की जंग से मुझे ज़रा ये समझाएं, आज जब समाप्त हुई ब्रेक लिया गया, अमजद परवेज साहब कहीं ना कहीं इस बात का गिला करते नजर आए कि उन्हें और वक्त चाहिए, तैयारी के लिए वक्त मांग रहे थे, दलाइल के लिए वक्त मांग रहे थे, इसको इसका तयन नहीं हो सकता, लेकिन अपेरेंटली लग ये रहा था कि वक्त दलाइल के लिए मांग रहे हैं, लेकिन जो बैक ऑफ द माइंड जो चीज है शायद वो तैयारी के लिए वक्त मांग रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसा पॉइंट जरूर तलाश करें जहां पर वो अपने मौकफ का दिफा कर सकें और सेशन कोर्ट के फैसले का दिफा कर सकें। जिस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सदर ममलिकत की भी एडवाइस आ गई और ये है कि उनको तो आयन की रोशनी में करना चाहिए, इसलिए फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन फाइल भी नज़र आ रहा है और उसकी हेयरिंग सुप्रीम कोर्ट जब कह चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह चुकी है कि केस में फैसले में बहुत से सुखम है, फिर आपको लगता है कि अमजद परवेज साहब जो दलाइल दे रहे हैं वो ऑलरेडी अपनी वक़्त खो चुके थे, शायद ये भी एक बड़ी वजह बनती है? देखिए वक़्त अभी आपने कहा था कि वो बहुत सीनियर और सीजनड वकील है और ये भी उनके रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, अगर वक़्त तो खोने का मतलब ये भी है इस मुकदमे में अगर वो वक़्त खो चुके हैं, अगर ये इस तरफ आपका इशारा है तो ये ऐसी चीज़ों को अज्यूम ही किया जा सकता है ना सर, क्योंकि अगर आप देखें ना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक अपने रिमार्क्स में ये कहा कि जो फैसला दिया गया सेशन कोर्ट में उसमें बजाय टेक्निकल बड़े सारे इश्यूज हैं, वो बात जो अगर हम उसका लुबे लुभाव देखें तो, अब अगर जब ये बात ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आ जाती है और उसको इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इस तौर पर इंडोर्स भी किया जाता है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जो जजेस हैं वो कहते हैं कि हमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी हिदायत आई है इस केस के हवाले से, तो फिर मेरे ख्याल से जो वकील थे इलेक्शन कमीशन के पास उनके पास ज्यादा मार्जिन रह नहीं जाता था। लेकिन 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 एक चीज और हो सकती थी कि वो शायद किसी ऐसे मामले पे ऐसे ठोस दलाल दे सकते थे जो कि केस को नई तरफ ले जाता है। देखिए एक साथ एक बात तो और नजर आती है ना इसमें कि अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये क्या कहा है कि दलाल मुकम्मल हुए नहीं हुए, लेकिन नेक्स्ट मंडे को मतलब एक हफ्ते का टाइम मिल गया ना उनको, नेक्स्ट मंडे को जो है वो फैसला सुना देंगे। अब वो जाहिर है लिमिट तो करनी थी क्योंकि उसकी लिमिट है
तो अब वो लिमिट तो उन्होंने कर दी, लेकिन इस हफ्ते के दौरान में क्या जहन साजी होती है, कौन सी तैयारी होती है? जहन साजी तो हो जानी चाहिए थी ना, अब तो जहन साजी तो पहले का मरला था। ये तो पहले ये देखें, सूरत हाल क्योस का शिकार है, इसमें इंतशार है, सूरत हाल स्मूथ नहीं है कि आप एक पगडंडी पे चलते जाएं, सिरात मुस्तकीम इख्तियार कर लें और आप बात कह दें कुछ भी, हर चीज़ का ये तो हमें डर ही लगा होता है, इंतशार में होता ही है कि क्यों नाक के आगे की खबर नहीं होती है कल क्या होगा, और कि उसके लिए सोचना पड़ता है कि कहीं हमने कुछ कोई कहा और ज़रूरत किसी और चीज़ की, जब नज़रिया ज़रूरत को पेश नज़र रखने की कोशिश की जाती है। मैं अपनी तरफ से लेकिन आज अगर आज की अदालती कार्रवाई के बाद अगर तहरीक इंसाफ के वकला की तरफ देखें तो वो एक जानब कॉन्फिडेंट थे कि आज की अदालती कार्रवाई, जो मिड ब्रेक की बात करूँ तो काफ़ी कॉन्फिडेंट थे कि दलाइल तकरीबन मुकम्मल हुए और वो जो समाज जिस अंदाज में चल रही थी वो भी कदर मुतमिन नजर आए। लेकिन जब फैसला महफूज किया गया तो फिर उसके बाद जो तहरीक इंसाफ के वकीलों की तरफ से जो रद्देमल आया वो भी कुछ इस तर्ज का था कि फैसले को सुना दिया जाता, शॉर्ट ऑर्डर्स दे दिए जाते ताकि अगर उनके क्लाइंट को किसी तौर को रिलीफ मिल सके। इलेक्शन कमीशन की हैरत तो इस बात की कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही के वो वकील हैं अमजद परवेज साहब, और जो है उसी को उन्हीं पर ये इल्ज़ाम आ रहा है कि वो डीलिंग टैक्टिक्स से काम ले रहे हैं, एक इल्ज़ाम बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरी बात ये है कि ऐसी क्या मजबूरी है कि पहले जो इल्ज़ाम जो है वो पीटीआई पे लगते रहे, उनकी क़यादत पे लगते रहे कि वो डिलेटेक्टिस के माहिर हैं और उनने जा बजा डिलेटेक्टिस के लिए कोशिश की और उसमें वो कामयाब भी रहे, इसलिए ये तोशाखाने का आज तक फैसला नहीं हो सका। अब सर व्हाट डू यू सी मूविंग फॉरवर्ड, क्या हो रहा है? आज फैसला महफूज हो गया, अब पीटीआई की वकला की जानिब से प्रेशर है कि फैसला जल्द सुनाया जाए, एटलीस्ट एक शॉर्ट ऑर्डर जरूर सुना दिया जाए ताकि उनके क्लाइंट को रिलीफ मिल जाए। अब जितने दिन ये फैसला महफूज रहेगा ये फिर सुर्खियां बटोरेगा, आपको लगता है कि ये एक इस पर ज्यादा डिले हो सकता है या दो या तीन दिन के अंदर इसका फैसला आपको आपके सामने आ जाएगा? मसला ये है पीटीआई का, अब जो मसला होंगे, पहले नहीं था उनका ये मसला, पहले तो वो डिले पर जा रहे थे, उसके बड़े वाजे सबूत हैं कि डीलिंग टैक्टिस पर बात की जा सकती है कि वो डीले टैक्टिस यूज कर रहे थे, जिस तरह के आपने मीडिया पे भी सुना होगा। अब इनके साथ ये है कि ये देखें, अभी इनको जल्दी इस बात की है कि अगर कोई फैसला हो सकता है और जो दलाइल दिए हैं तो अभी हो जाए, तो जब किसी अगर कोई किसी अपील में रिव्यू में जाना चाहें या कोई भी गुंजाइश हो तो उसमें जा सकें, फिर कोई हंग अप की सूरत हाल है इनको। आप इशारा दे रहे हैं कि अगर फैसला उनकी तवक्कात के बरखिलाफ जाए तो इस वक्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रुख किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो उम्मीदें लगाए हुए थे उसमें बहुत तब्दीली आने वाली है। सर आज की तारीख में तो तब्दीली नहीं है ना? नहीं, जो अगर ये हफ्ता या दो हफ्ते तक भी डिले हो जाता है, एक बात एक सर्टेन टाइम पीरियड से ज्यादा स्ट्रेच कर जाता है तो फिर चेक करना पड़ेगा ना कि इसको बात हो सकती है या नहीं। एक डिले टैक्टिस की एक और वजह समझ में आती कि अगर हमारे पास तीन हफ्ते है ना, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास अगर तीन हफ्ते है जी, तो एक हफ्ता तो उसके अंदर से कम हो जाएगा जब वो हुआ, जब वो फैसला आएगा तो वो वाली बॉडी जो सुप्रीम कोर्ट की जिस पर शक शुकवा और बड़ी तनकीदें की जा रही हैं, जो गलत भी है कि इस तरह सुप्रीम कोर्ट को इस हद तक जो है चीफ जस्टिस को भी निरुस्वा करना चाहिए, माल सियासी मजबूरियां भी होती हैं। अब जब वो आ जाएंगे और बॉडी चेंज हो गई, नए जो है वो आ जाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आपको लगता है ये फैसला इस हद तक होल्ड किया जाएगा, इतने अरसे होल्ड किया जाएगा? देखिए जो आज जो ना चीज़ें जो नज़र आ रही हैं, सबसे ज़्यादा उम्मीद पीटीआई को एक ही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो सर्वे किया गया एज सेइंग द पीपल, मीडिया साइड से जो हमने सुना है कि उन्होंने जितने 83 फैसले उन्होंने दिए उसके अंदर से दो तीन के अलावा सब जो है पीपल अब पीटीआई के हक में गए। सही, तो वो इतना स्ट्रांग चीज से उनको ये डर इनको ये है कि कहीं जाके वो वैसे तो अब मैं अगर ये समझूं कि अगर जो पूरा सेटअप है, जो पूरा निज़ाम है वो एक तरीके से एक हफ्ते या दो हफ्ते के लिए स्टैंड बाय पे है, नीति कहा जा सकता है भाई स्टैंड बाय पे एक हफ्ते तो बढ़ गया ना, अब क्या वजूहत हो सकती है? लेकिन उन्होंने बड़ी जिसको कहते हैं ना एब्सोल्यूट बात की है,
इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कि हम अतली फैसला जो है पीर को दे देंगे उनका। लेकिन अब मुझे सर फिर झांगी साहब ये बहस रहेगी ना कि अगर ये बात इस तरह पे चलती है और ये बात कही जाती है कि आज अगर ये फैसला तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट आता है तो बहुत से ऐसे मामला में खुद इलेक्शन कमीशन के वकला कह रहे हैं कि उन्होंने दलाइल मुकम्मल नहीं किया, तो अधूरे दलाइल इतने पावरफुल थे, उतनी उसमें जान थी कि उसको उसके बावजूद उनके हक में फैसला चला जाए। अब देखिए इतना नाजुक बात है, इस पर तबसरा करना कोई आसान बात नहीं है। तबसरा एक तजिया तो किया जा सकता है, इसमें वही हिम्मत की जा सकती है कि जब यहाँ से निकलेगा ये जो चीज़ें निकलेंगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी वक्त कुछ मिल रहा है, समझे ना। जिस तरह के ग्रे एरिया कह रहे हैं कि ये नहीं कराना चाह रहे वो कराना चाह रहे हैं, उसको भी वक्त मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद इम्कान ये है कि उसके पास श्रिंक हो जाएगा टाइम, और उस टाइम के श्रिंक होने से जो है वो बॉडी चेंज हो सकती है, हेड चेंज हो सकते हैं, और उससे जो है वो उस तरह की उम्मीद नहीं है। तो ये सूरत है, चलिए इसके ऊपर बात करें, प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, क्योंकि ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो एक और बड़ा अहम मामला उसको बर्बाद करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान समेत पूरे मतलब कराची समेत पूरे मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज रिकॉर्ड कराए जा रहे हैं, महंगाई के हवाले से, बिजली की कीमतों के हवाले से, और जो कुछ इस वक्त मामला चल रहे हैं वो यकीन तौर पर किसी भी तौर पर कोई हुकूमत स्टेबल गवर्नमेंट हो उसके लिए बड़ी मुश्किल होते हैं। तो एक निगरान हुकूमत के लिए तो इसमें एक्ट करना रिएक्ट करना और ज्यादा मुश्किल होगा। एक छोटी सी खबर के साथ ब्रेक पर जाएंगे कि आज के दिन सिर्फ कोटा शहर में चीनी की फी किलो कीमत में 35 रुपए का इजाफा हो गया, और वो इजाफा क्यों हुआ, किसने किया, किन वजूहात पे हुआ, किसी को नहीं पता। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक कर हाजिर होते हैं। देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आप भी बताते खुश आमदीद कितने का तस्करा होता कि पाकिस्तान में जिस वक्त अदालतों में मामला जेर इल्तवा है उनका आखिर क्या बनेगा। तोशाखाना केस के हवाले से आज अदालत में समाप्त हुई, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में होने वाली समाप्त 3 घंटे जायद जारी रही, इसके बाद फैसला महफूज कर लिया गया, और अब इतलात यह है कि फैसले को कल 11 बजे अनाउंस कर दिया जाएगा। और कल जब 11 बजे ये फैसला अनाउंस होगा तो यकीनी तौर पर सारी की सारी निगाहें इस फैसले की तरफ होंगी, और काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस फैसले के हवाले से। यह फैसले में क्या कुछ होगा, क्या इसमें तहरीक इंसाफ के सरबरा को रिलीफ मिलेगा या नहीं, यह एक बड़ा अहम मामला है। अब जरा इसके ऊपर बात करते हैं कि 11 बजे का जो कल वक्त दिया गया है इसमें फैसला क्या मुतवक्के हो सकता है। अगर पॉजिटिव आता है इन टर्म्स ऑफ तहरीक इंसाफ तो तहरीक इंसाफ के पास तो फिर आगे का लायमल क्या होगा, नेगेटिव जाता है तो फिर तहरीक इंसाफ के पास लायमल क्या होगा। जहांगीर साहब अब ये 11 बजे की जो बात आ रही है कि कल 11 बजे फैसला सुना दिया जाएगा जो फैसला महफूज किया गया, एंड मैं अप्रिशिएट करूंगा इस्लामाबाद हाईकोर्ट को भी कि उन्होंने किसी भी तौर पर डिले नहीं किया, और आज जितनी तवील समाप्त हुई कंसिडरिंग दैट आज अगर फैसला दे दे तो फिर वही बात होती जो सेशन कोर्ट में हुई थी कि इतनी तवील समाप्त के बाद आपने 30 पेजेस का जो फैसला आधे घंटे में कैसे लिख लिया। कल ये फैसला सुनाया जाएगा, और कल जब ये फैसला सुनाया जाएगा तो अब एक्सपेक्टेशंस क्या है और ऑप्शंस क्या है, जरा बता दो। देखिए अपडेटेड जो न्यूज है जो इस पे ये मालूम हुआ कि कल फैसला 11 बजे तक सुना दिया जाएगा, तो इससे जो सिनारियो बनता है वो अब ये बनता है सिनारियो कि अगर कल फैसला सुना दिया जाएगा तो यहाँ का जो अलाइनमेंट है इदारों के दरमियान सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके और अभी इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आएगा कि इनको हरीडली बुरीडली के अलावा भी जो है इनको अब इन टाइम फैसला दे रहे हैं, और ये सबकी नीयत इस बिल्कुल वाजे नज़र आती है कि ये जो 90 डेज जो आपको दिए जा रहे हैं आइन के मुताबिक
इसी के अंदर काम करने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए जल्दी जल्दी वक्त पे इन टाइम फैसले, वक्त पे जल्दी तो मैं नहीं कह रहा लेकिन इन टाइम फैसले नीडेड जो होते हैं ना उसके ऊपर फैसले आएंगे। इससे एक फायदा जरूर होगा, एक फायदा ये होगा कि हमारा सबसे बड़ा सवाल है, जो परेशानी है वो ये है कि वक्त पे इलेक्शन हो सकेंगे या नहीं। ये जाहिर सा एक सवाल है, लेकिन अब मैं अगर इस फैसले को इस पर्सपेक्टिव से ब्रेक डाउन करूं कि कल ये फैसला आ जाए, मैं मफरूजे के तौर पे कह रहा हूं, कल एक फैसला तो ये हो सकता है कि जो सेशन कोर्ट का फैसला था वो दुरुस्त था और उसी फैसले को बरकरार रखा जाता है। दैट मीन्स उस सूरत में तरीके इंसाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रुख करेगी और कोशिश करी जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वहां से इंसाफ लिया जाए। अगर ये नहीं होता, अगर ये एक सिनेरियो वन है, अगर सिनेरियो टू की बात करें तो सिनेरियो टू ये हो सकता है कि पूरे का पूरा फैसला तरीके इंसाफ के फेवर में आ जाए, उस ऑर्डर को पूरा रिवर्स कर दिया जाए और उसमें खान साहब की ना अली खान साहब की सजा सबको मुअत्तल करके तरीके इंसाफ के फेवर में फैसला आ जाए। इन दैट केस शायद इलेक्शन कमीशन इसको एक अगले फोरम के ऊपर परस्यू करे। लेकिन थर्ड सिनेरियो भी इसमें और बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये भी मुमकिन है। क्या ये मुमकिन है, मैं सवाल कर रहा हूं कि तरीके इंसाफ के जो सरबराह हैं उनको जमानत दे दी जाए और मजीद इंक्वायरी के लिए इलेक्शन कमीशन को कहा जाए कि इस हवाले से मजीद इंक्वायरी करो और जब तक ये मामला इंक्वायरी के बाद क्लियर नहीं हो जाता तब तक चेयरमैन पाकिस्तान तरीके इंसाफ की सजा को बरकरार रखा जाए, जो कि एक पॉसिबल फैक्टर हो सकता है, या सजा विद जेल या महज ना अहली को बरकरार रखा जाए। देखिए बड़ी अहम बात की है, बड़ा अच्छा एंगल आपने दिया है, वो ये है कि तीसरा इसमें की कुछ वजूहात हैं इसकी और बड़ी उसकी दलील देती है उसको कि देखिए इससे क्या होगा, इससे ये जो ऑपोजिशन की पार्टीज है ना ये भी राजी हो जाएंगी कि ये जो आ जाए इनकी सजा भी बरकरार रखी जाए और इनको जो है सफाई का मौका भी दिया जाए और जो है बात का जो फैसला होगा वो काबिल कबूल हो सकता है। तिश्ना भी है और अमजद परवेज साहब ने जो डिले किया है, जो मुख्तलिफ चीजें हीले बहाने जिसको कहा जा रहा है, उस बात की भी दलील है कि कोई ऐसी कोशिश की जाए कि इसका फैसला तिश्नर है और तिश्नर की बाद में जो है नई प्रोसीडिंग्स आए, चीज़ें आए, उससे ये जो जमातें हैं दूसरी अपोजिशन जमातें हैं इसकी पीटीआई की, उनको ये क्यों खुश होंगी, इसलिए खुश होंगी कि जब ये नई डिबेट खुलेगी उस वक्त हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बदल चुके हैं। बिल्कुल सही। और जब नए चीफ जस्टिस आते हैं और उनका जो तरीका देखा गया है उसके अंदर ज्यादा बोल्ड वो लेते हैं, फैसले करते हैं, वो पैनल बनाने में भी ज्यादा वसी नजर है कि बड़ा पैनल बनना चाहिए, लार्जर पैनल भी बनना चाहिए, फुल कोर्ट भी बननी चाहिए, ये उनसे तवक्का की जा रही है। तो आप ये देखेंगे आपके ये होने का बहुत बड़ा इम्कान है, ये आपका ऐसा फैसला आ सकता है दोनों के लिए कहीं ना कहीं पूरा विनमैन भी हो, दोनों के लिए कहीं ना कहीं विनमैन भी हो और दोनों के लिए तलवार भी अटकती रहे। नहीं, विनमैन तो नहीं कह सकते ना इसको, विनमैन तो ये होता है जब डिसाइडेड हो जाती है ना, जो तो दोनों के लिए तलवार लटकती रहे। हाँ, मसला ये है कि तलवार लटक रही है लेकिन इम्कान जो इसके ऑपोजिशन के पास ज्यादा ये है कि आने वाले सूरत हाल में एक तो इससे होगा कि फैसला आएगा तो डिलेट भी होगा चीजें, इलेक्शन को भी मौका मिल सकता है कि भाई ये चीजें तो क्लियर नहीं है, एक ऐसा आदमी जो जेल में, ऐसा आदमी जिसके पास इल्जाम हैं, जिसका ऐसा आदमी जिसको जो है जेल समात है और उसका फैसला भी नहीं आया तो उसको इलेक्शन में मौका दिया जाए या नहीं दिया जाए, ये भी एक सवाल पैदा किया जा सकता है। अगर ये सवाल पैदा किया सकता है तो ऑपोजिशन को देखेंगे और पीटीआई भी ये देखेगी कि अगर इस तरह ये और कानून या आईन की ब्रीच हो जाती है, ये डिले हो जाता है तो उनको मौका मिल जाएगा। अगर मैं तरीके इंसाफ को ये मैं तरीके इंसाफ की पर्सपेक्टिव से बात करूं, तरीके इंसाफ का जो कोट किया जाता है सोशल मीडिया पे या जो मुख्तलिफ इंटरव्यूज में प्रेस कॉन्फ्रेंस में, गल्ब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हवाले से उनका कोई मौका इतना कोई बेहतर नहीं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं। अगर कल उन्हें सिर्फ इतना मिल जाए कि उनके जो सरबरा हैं वो सिर्फ जेल से बाहर आ जाए तो क्या वो एक बड़ा एक गेन होगा तरीके इंसाफ के लिए? देखिए इसका इम्कान बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा है, हम तो तजिया कर रहे हैं, इसका इम्कान बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा कि आप ये कल की बात की है कि इलेक्शन हुए
किसी के दो सीटें आई, किसी के चार सीटें आई, पीटीआई के छह सीटें आई जी इलेक्शन में। तो मतलब सुपर सीट तो कर रही है ना जी, ऐसे तो नहीं है। लेकिन ये भी तो वजह हो सकती ना कि जेल में रख के भी आपने खान साहब को देख लिया लेकिन मकबूलियत में जब कोई कमी नहीं आई बल्कि इजाफा हो गया, रिवर्स साइकोलॉजी हो गई एक तरीके से, तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं ना कहीं इस बात को समझा जा रहा है। देखिए जो जो उनके साथ ये डर नहीं है, सियासी पार्टियों को भी डर नहीं है, और वो ये कहते हैं कि वो जो जो जंग शुरू करते हैं वो जो फिर एक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। सही। वो इस खौफ की वजह से कोई भी उनको ये रिलीफ और रिलीज देने के लिए तैयार नहीं होगा, लोगों को कोई और मसले में जो है उनको भर लिया जाए या अंदर रखा जाए, तो इसका इम्कान ये नहीं है कि वो आज़ादी से इलेक्शन लड़े। और अगर वो जेल में रह के भी लोग जीतते हैं, इलेक्शन जीतते हैं, हमारे माहौल में जेल में ज्यादा चेंज इलेक्शंस लड़े जा सकते हैं। मसला ये है कि बड़ी ज्यादा जहानत के सबूत ये दिया गया है कि पार्टी का यज्जा रहना बहुत जरूरी होता है, इसको डिवाइडेड इनटू टू थ्री कर दिया गया कि परवेज खटक भी एक जमात लिए। लेकिन वो इतने फाल है, आपको लग रहा है परवेज खटक साहब की एज ऑफ नाउ जो स्टैंडिंग देखें वो उतनी कोई इम्पैक्टफुल है? अगर मैं चले आपके आके एक राय ले लूं, अगर केपीके, मैं अभी एग्जैक्ट नंबर ऑफ सीट्स नहीं, मैं कहता हूं कि शायद केपीके की जो नंबर ऑफ सीट्स होंगी समवेयर अराउंड 70 सीटें हैं नेशनल असेंबली की, आपको क्या लगता है कि प्रवेश खटक साहब उन 70 में से कितनी सीट्स के ऊपर कामयाब हो सकते हैं मफरूजे के तौर पर? मैं कहूं तो एक आज के माहौल की बात करूं तो एक काम तो होता है कि आपकी कोशिशों से आप कामयाब होंगे। सर मैं कोशिशों वाली ना कामयाबी की बात, वो तो फिर उसके लिए तो सर कोई मसला ही नहीं है सर। लेकिन मसला ये है कि तो मुझे खड़ा करते वजीर आजम मिल जाओगे इनके साथ, ये है कि टांग खींचने के बड़े माहिरीन मौजूद है इसमें, समझा ये सर सीढ़ी लगाने के बड़े माहिर हैं माहिर। तो मसले की बात ये है कि अगर ये टांग खींच के उसको गिरा दें या उसकी कहीं रुकवा दें या सर मैं तो कह रहा हूं जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलैरिटी, अगर मैं आपसे ये बात कहूं फिर एंड फिर इलेक्शंस हैं जैसे कि हर साल पाकिस्तान में होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि प्रवेश खटक साहब इफ देयर आर नंबर ऑफ सीट्स 70 तो कितनी सीट्स प्रवेश खटक साहब इस माहौल में ले सकते हैं? भाई सीट वो जीरो लें या 10 लें या 20 लें, मसला ये नहीं है। मसला ये है कि जिस तरह के जज्बे से और वो जो नक्शा डाल के वो कह रहे हैं कि फौज के खिलाफ बगावत की जा रही थी, उसे टकराया जा रहा था, कोशिशें तो इसी तरह होती है ना सर, एज ऑफ नाउ की बात कर रहा हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ कि कल इलेक्शन हो जाए, प्रवेश घटक साहब ने जो डेंट डालना था डाल दिया, जो कुछ है, आपको लगता है आज की जो सूरत हाल देखें तो प्रवेश घटक साहब उन 70 में से 7 सीटें ले लेंगे? ये बात है कि वो सीटें वीटे लेने के लिए नहीं आए, सीटें रोकने सर, वो सीटें लेने ही नहीं सर, सर पॉलिटिक्स है सर, इलेक्शंस है सर, आप गए सीटें लेने नहीं आए। ये तो उनकी है ना भाई, जिस जो चाहे इंसान को ख्वाब देखने की आजादी है ना, जो बात मीडिया कह सकता है जो तजिया बता सकता है वो ये है कि सीटें लेने के लिए से ज्यादा जो है ना सीटें रोकने के लिए और तोड़ने का उनके लिए काम है, उसके अनुकर मैं ये कहता हूँ एक मफरूजे की बात कर लेते हैं केपीके में, मैं केपीके की बात करता हूं, अगर प्रवेश खटक साहब एक अलग फोर्स के तौर पर काम कर रहे हैं वो पीटीआई का वोट बैंक काटने में कामयाब हो जाएगी बड़े पैमाने पर? ये भी हो सकता है कि उनकी एक इंडिविजुअल प्रेजेंस पीटीआई को मजबूत कर दे, क्योंकि आपको पता है कि केपीके में एक बहुत बड़ा तबका था जो प्रवेश खटक साहब से खुश नहीं था लेकिन वो चेयरमैन पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए उनको वोट दे देता था। अब आपको लगता है कि इसका एक रिवर्स इफेक्ट भी हो सकता है? तो जो है ऑपोजिशन की जमाती इमरान खान की जमात को दे रही है, ताजा कर रही है, जानदार कर रही है, रवाना कर रही है, उसकी वजह ये है कि और ये निगरान हुकूमत को भी ये देखें, ये भी जो है ना दस्तबाजू ना चाहते हुए भी जब इतनी महंगाई हो जाए एक एक दिन में 35-35 रुपये, जिस तरह आप बता रहे हैं कि चीनी की कीमत बढ़ जाए, पेट्रोल हो जाए, लोग बिल जलाने लगे, आप खुदकशियाँ करने लगे, इसके अंदर जो भी उनके लिए वो बात कहे जो उनके लिए तसल्ली का बास हो तो वो तो उसको तो मिलेगा। तो जो कोशिश की जानी चाहिए निगरा हुकूमत को
वो तो उसने तो स्टार्ट ही नहीं लिया, स्टार्ट में जो है उसके चौपे छक्के उसके खिलाफ। चले जाएंगे साहब, इसके ऊपर बात करते हैं, जरा माशी सूरत के ऊपर भी बात करेंगे। प्रोग्राम में ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस मुल्क की माशी सूरत हाल वैसे तो किसी से ढकी चुकी नहीं है, लेकिन इसको कुछ और अनफोल्ड करने की कोशिश करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आ जाओ। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं। तस्करा कर रहे थे कि पाकिस्तान की मौजूदा माशी सूरत हाल कहां पे मौजूद है। एक जानब अवाम की जानब से बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जा रहा है, तो दूसरी जानब अवाम की जानब से ये बात भी बताई जा रही है कि इस महंगाई के अंदर उनका सर्वाइव करना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। पाकिस्तान में इस वक्त एक आला सतह का इजलास जारी है, जो जिसकी सदारत निगरान वजीर आजम जनाब अनवार उल्लाह काकड़ साहब कर रहे हैं, और वो तमाम तर लोग सर जोड़ के बैठे हैं कि मुल्क की महंगी बिजली को सस्ता कैसे बनाया जाए और इस महंगाई के जिनको कैसे बोतलें बंद किया जाए। दूसरी जानब आज एक और बड़ी बुरी खबर यह है कि जो ओपन मार्केट है उसमें डॉलर की जो कीमत है वो 316 रुपए को तजावुज करती हुई दिखाई दी, जबकि आप इंटरबैंक की बात करें तो वहां पे जो एक डॉलर की कीमत है वो 302 रुपए तक पहुंच चुकी है। ये पाकिस्तान में होने वाले हालिया इजाफों में सबसे बड़ा इजाफा नजर आ रहा है और तवत्तुर से नजर आ रहा है। गुज़िश्ता चंद दिनों में डॉलर की कीमत का लगातार बढ़ जाना ये इस बात की तरफ निशानदेही कर रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त माशी तौर पे कुछ भी ठीक नजर नहीं आता। सबसे बड़ी अलार्मिंग चीज ये है कि शेख खरदोश की बेसिक यूटिलिटीज की जो चीजें हैं वो तेजी से महंगी हो रही हैं और उसके ऊपर किसी किस्म का कोई चेक एंड बैलेंस, कोई कंट्रोल नहीं। आज महज कोयटा शहर में जो चीनी की फी किलो कीमत है उसमें 35 रुपए का इजाफा हुआ, और जब ये इजाफा आम आवाम ने देखा और विटनेस किया तो उनके औसान खता हुए और वो हवास भागता होकर हुकूमत से ये सवाल करने लगे कि आखिर इस सब में उनका क्या कसूर है। जहांगीर साहब, ये जो सूरत हाल है इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन, और आप कहें कि जो जलजिले के बाद सुनामी की वार्निंग दी जाती है ना, इस वक्त एग्जैक्टली वही सिचुएशन है पाकिस्तान की। इससे भी बढ़कर एक हादसा हुआ है। जी, हादसा ये हुआ, ये बॉम्बे वतन सियासतदान उसमें निगरा भी जो है कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। जब तक के अवाम की चीखे नहीं निकल, निगरा तो सियासतदान नहीं होता। नहीं, चीखे कौन सियासतदान नहीं होता, निगरा तो सियासतदान नहीं होता। ये निगरा जो है कि किसी पार्टी में नहीं है, ये बाप पार्टी से नहीं आया। कौन सी निगरान सियासतदान तो नहीं होता। निगरान आपको कहते हैं, सियासतदान तो सदर भी नहीं होता। सारी सियासत सदर ऐवाने सदर से हो रही है, ये एक अलग चीज है। इस बहस में न पड़े आप बहुत सारे मैं बता दूं जिनके स्टेक लगे हुए सियासत में वो भी मौजूद है इधर। बारह ये एक अलग तरफ चले गया। मसला ये है कि जब तक के अवाम की चीखें नहीं निकले, खुदकशियां नहीं हुई, इनके इकतदार को आगे के इलेक्शन को, इनके मुफाद को खतरा नहीं पैदा हुआ, तब तक नोटिस भी नहीं ले रहे हैं, उन्होंने कोई इजलास भी नहीं मिला है। अभी ये जो ये ऐसी बढ़ गई हैं कीमतें, हैं ऐसी बढ़ गई हैं पुराने वाले से 116 महीने आ गए, बाकी जो है अब ये बैठे हुए हैं, ये भी कर रहे हैं। अब ये क्या होगा, अब इनको मालूम हो गया है कि 70 साल बाद इनको मालूम है कि 70-7 करोड़ या पता नहीं कितने जो यूनिट जो है फ्री दे दिए जाते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट्स को। अब नारे लगाइए ना, मुझे फिगर सही नहीं मालूम, लेकिन करोड़ों में। अब आप ये आज इनको मालूम हुआ है, आज इनके पास रिपोर्टें आई हैं, इनको कुछ नहीं मालूम। सर, इनको आज ये भी पता चला है कि आईपीपीस के साथ जो मुआहदे हैं वो किस तरह के हैं, और उसमें चाहे वो बिजली बनाए या ना बनाए उनको पैसे देने हैं। आज ये मालूम हुआ है कि जो पावर कंपनीज थी उनकी जो जो डिमांड होनी चाहिए थी, उनकी जो डिमांड हो सकती थी वो अपनी मकदार से काफी कम लिया गया।
बहुत सी बातें आप पता चल, ये भोले ये जो हमारे अभी गए हैं 16 माह गुजार के गए हैं, 4 साल गुजार के गए हैं, अभी ये लोग आए हैं, इनकी भी मुद्दत 6 महीने से कम तो नजर नहीं आ रहे और इससे ज्यादा की उम्मीद है। और ये जो अवाम ही रहे ना, इस पाकिस्तान में रहे ना, अब ये जो आखिरी इनकी इख्तदार को जो चीजों को नजर आती है, एक ने क्या किया, 4 साल की तबाही को जो है ना वो ये इत्तेहाद नहीं है, 13 जमातों का इत्तेहाद, उसके ऊपर इक्तफा किया कि वो गंदा था, वो गंदा था, वो गंदा था। 16 महीने आए तो उन्होंने कहा भाई ये तो निगरान हुकूमत है, हम तो अभी आए। जाने साहब, एक बड़ी सरप्राइजिंग बात है, अब नून लीग की तरफ से स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं कि बिजली की कीमतें इस तरह से महंगी हो सकती हैं, वैसे सस्ती हो सकती हैं, ये आवाम को देना चाहिए। आप कह रहा हूं, मतलब ये तो कह रहा हूं मैं, मतलब जब हुकूमत में आते तो उनके सारे आदादोशुमार टेक्निकल फिगर्स नहीं पता, इसीलिए कह रहा हूं भाई साहब कि ये जो ना जो आज ये अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ा रहे हैं, क्रेडिबिलिटी आप आवाज से बनाएंगे, लिप सर्विसेज से बनाएंगे, आपने क्या किया है? आप चाह रहे हैं कि 16 माह में तो हमारे कोई इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई उसकी साख नहीं रही है, क्या करें? अब वो दूसरों को बता रहे हैं यार देखो ये आए ना तो इन्होंने ये कर दिया, पहले वालों ने कर दिया था, अब आने वालों ने कर दिया, ये महफूज है, ये 13 जमात से महफूज है, इनसे कोई जमात जो सूरत हाल है नहीं पूछेगा। आप देखें यही चीनी थी जिसके ऊपर पॉलिटिक्स होती थी, आज इसमें 35 रुपए किलो फी किलो 35 रुपए का इजाफा हुआ, कोई सवाल करने वाला नहीं, कोई आवाज उठाने वाला नहीं, बेहसी है, इनको हमारे दुख का अंदाजा नहीं है। हम पहले प्रोग्राम में भी कह चुके हैं, आज नजर आया कि देखें ये ऐसा ऐसा एक गदर का सी की सूरत हाल हो जाएगी, आप इसको आसान नहीं लें, ये पेट का मसला है, पेट का मसला है। हम प्रोग्रामों में कह चुके हैं कि ये वक्त आएगा, और आज कीमतें बढ़ चुकी हैं, आवाम क्योंकि हमारे यहाँ काफी पॉजिटिव है और हम जाएंगे, उनकी पॉजिटिविटी बरकरार भी रहे, लेकिन जो कीमतें बढ़ चुकी हैं किसी तौर पर वापस आ सकती हैं? इनका खून तो पॉजिटिव होता है, इनका जहन पॉजिटिव नहीं हो सकता। एक ऐसी तकलीफ में जो है इनका जहन पॉजिटिव होगा, वे कौन सा रिलीफ दे रहे हैं? आप कल ये बताएंगे कि हमने जो है सरकारी मुलाजमीन से जो है वो रिलीफ ले लिया है, अब उनसे पैसे वसूल किए जाएंगे। आपने तो टैक्स बढ़ा के तो खजाने में कुछ डालने की कोशिश की, रिलीफ अलग चीज है, अब उनको देंगे तो क्या आप बांटेंगे इसको या कम करेंगे? ये भी आप 200 स्लैब से लेके 300 कर दें, 300 स्लैब वो ये इनका इलेक्ट्रिक कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन की जो कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूटर है, इनको आप कंट्रोल कर सके, ये करती है चावी साहब, मुझे ये बताएं निपरा का काम है, निपरा भी फ्रॉड, ये कैसी बात है? मुझे ये बताएं, अभी हम बात कर रहे थे कि सियासी लीडरान हैं जो सियासत कर रहे हैं, लोगों को सड़कों पर ला रहे हैं, शायद वहां पे आप किसी तौर पे किसी एक शख्स को अकाउंटेबल भी कर सकते हैं, आप उसको मैनेज भी कर सकते हैं, आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, लेकिन अब अगर आप सूरत हाल देखें तो कराची में अपने तर्ज पे लोग निकले, कराची के बाद हैदराबाद, इंटीरियर सिंध के इलाके, पंजाब के इलाके, इस्लामाबाद, बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहा है, लेकिन सब में जो सबसे बड़ी खौफनाक सूरत हाल ये है कि इसमें कोई भी सियासी लीडर नहीं, कोई भी रहनुमा नहीं, आवाम जो कुछ कर रही है अपनी मदद आप कर रही है, और आवाम को जहां मौका मिलता है वो आवाम कर रही है, और उसमें बिजली नहीं, उसमें महंगाई सब तक, तो फिर आवाम क्या करेगी सर? ये किसी को हेडलेस है, ये आवाम सिर्फ कितना अपना मौका ही नहीं दे रहे हैं कोई इनको जो है वो रहनुमाई करे, ये तो गुमराही के रास्ते पर नजर आते हैं, ये कैसे उम्मीद कर ले इनसे कि ये भलाई करेंगे? अगर भलाई करें वो क्या, यही मैंने अभी किया, दोबारा मैं रिपीट करता हूं इंजन शॉर्ट फॉर्ड कि ये क्या करेंगे कि अपनी सब्सिडी खत्म करेंगे जिन इन मुलाजमीन से, और अपना जो है 10 अरब रुपए इन्होंने जमा कर लिए, ये बहाना मिल गया, और स्लेब क्या करेंगे 200 से 300 तक, हल नहीं है ना भाई साहब, ये तो मुश्किलात है, ये तो टेक्निकल है, ये तो इंजीनियरिंग है सर। अभी अभी अगर मैं बात कहूं कि 2 तारीख को गालिबन जमात इस्लामी बल्कि हड़ताल की कॉल दी है, और बड़े पाकिस्तान की सियासत में नजर आ रहा है सर, आपको लगता है कि ऐसे माहौल में अगर हड़ताल किसी तौर पर भी कामयाब हो जाती है, मैं कहूँ 30% भी कामयाब हो जाती है, तो निगरान गवर्नमेंट के लिए बड़ा चैलेंज होगा? भाई देखिए, ये लोग बड़े समझदार होते हैं, एक स्टेप लिया उन्होंने,
और हड़ताल का ऐलान किया, अब सब सारे हड़ताल करेंगे। हड़ताल करने से मजदूर ये वो बहुत सारी चीजें, मजदूर क्या, लेकिन चीख पुकार तो आवाज तो बुलंद होनी चाहिए थी ना, सियासी हक भी है सर, तो ये सारे के सारे जो है यही कर रहे होंगे। ये जो ना ये देखते हैं कि यार अगर वो कर रहा है तो हमारी हमारी परफॉर्मेंस लूज हो रही है, वो हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं तो उनके गर्दन पकड़े, बोले पूछे बोले सर, किसकी पकड़े मुझे बताएं। अबे भाई जो तो बर्बादी फैला के गए सर, यही तो टाइम नहीं हो पा रहा, किसने किया? अरे उनके तो इलेक्शन जीतने के इम्कान जाहिर कर रहे हैं हर एक कोई कि हम जीतेंगे, हम स्वीप करेंगे, पहले जवाब तो दें। अब वो जवाब देने का मसला मालूम है क्या है, वो कहेंगे टाइम, अब कोई ताकत टाइम मांग रही है कि हम इनको अकाउंटेबल करेंगे और एहतसाब करेंगे, और ये भी होता रहा है इससे इलेक्शन। IMF ये सारे मामला को बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रही होगी, इससे जो मुल्क में एहतजाज हो रहा है उसको भी देखा जा रहा होगा। आपको लगता है IMF के साथ पाकिस्तान का जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ था वो आगे चल के वो भी कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी मामला बढ़ेंगे? बहुत करीब दिसंबर में दूसरे की तरफ जाएंगे 5 साल के लिए। कैसे जाएंगे? तो अभी क्रेडिबिलिटी नहीं बनाया सबसे पहले। कैसे जाएंगे सर? चीजें जो है IMF कह रहा है 350 रुपए का पेट्रोल कर दें, IMF कह रहा है बिजली की कीमतों में इजाफा कर दें, गैस की कीमतों में इजाफा कर दें, मजीद आपको लगता है होना पॉसिबल? जो PTI ने ब्रीच कर दिया था, मुआयदा ब्रीच कर दिया था, आप असर देख लो, ये ब्रीच भी नहीं कर सकते, गुलामी का तौक पहन चुके हैं और जो है बहुत मुतमईन कि हमने पाकिस्तान को बचा लिया सर। डॉलर अगर मैं गलत नहीं हूं 260-270 रुपए था एक डेढ़ माह पहले, दो माह पहले, और उसके बाद आज 302 रुपए का डॉलर हो चुका है और ओपन मार्केट में ये तकरीबन 316 रुपए तक का हो चुका है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के ऊपर जो कर्जे थे उसमें कुछ नहीं तो कुछ नहीं 10-12-15% का इजाफा हो चुका है। हिमाकत इनकी इतनी, इनका दिमाग नहीं है कि एक बार बताएंगे कि जब डॉलर बढ़ने की आजादी होगी तो लोग अपने घरों में डॉलर खरीद लेंगे, कितना बड़ा जो है फर्क पड़ेगा सर। जिन्होंने पहले से खरीद कर लेकिन आप तो और डॉलर बढ़ा रहे हो ना, जो नहीं भी खरीद सकने की सकत रखते थे वो कह रहे हैं थोड़े से और लगा तो कुछ तो मिलेंगे। ठीक है जी साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पे पहुंचा, इंशाल्लाह आपके साथ आने वाले प्रोग्राम में फिर गुफ्तगू रहेगी। आपका आने का, स्टूडियो आने का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये बात बहुत ज्यादा अहम है कि जहां पे मुल्क में सियासी दर्जा हरारत में आप कह सकते हैं कि एक तरीके से ठहराव है, जहां पे एक जानब सारे मामला इस वक्त अदालतों में जेर इल्तवा है, बड़े फैसले अदालतों से होने हैं, वहीं पे सबके अंदर एक बड़ी खामोशी गारी है वह है आवाम की। और जिस मुल्क में, जिस कौम में जब आवाम अपने फैसले खुद कर लेती है और वहां पे मादर पिदर आजाद तो नहीं कह सकते, बगैर लीडर के, बगैर किसी रहनुमा के और बगैर किसी डायरेक्शन के जब आवाम निकलती है तो फिर उसमें बड़ा बड़ा कुछ बहा के ले जाती है, उसमें बहुत से गलत फैसले करने वालों को बहा के ले जाती है और यही एक बेस बनती है एक बड़ी तब्दीली की। लेकिन यहां नुकसान का भी अंदेशा होता है। इस वक्त हुकूमत को इस सब के लिए यकीन तौर पर निगरान हुकूमत का जितनी मुद्दत है वो बहुत महदूद है, उनके पास इख्तियार महदूद है, उनको किसी भी तौर पर सबके लिए मुरीद इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन अब इख्तदार आपके पास है, आपको फैसला करना होगा और जल्द करना होगा। अगर फैसला नहीं हो रहा तो फिर आपको जल्द इलेक्शंस कराने होंगे, अदरवाइज हमें बहुत देर हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।